अस्सलाम वालेकुम। जुलाई 2024 के कैलेंडर के हिसाब से जुलहिज्जा का महीना मुहर्रम का महीना रहेगा। हिजरी ईयर जो रहेगी 1445 और 1446 रहेगी। जैसे कि मुहर्रम महीना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हिजरी ईयर जो रहेगी वो चेंज हो जाएगी। जुलाई 2024 का जुलहिज्जा का महीना मुहर्रम का महीना रहेगा। हिजरी ईयर 1445 1446 रहेगी। तो जैसे कि आपको पता रहता है कि इस्लामिक मंथ के हिसाब से मुहर्रम महीना जो रहेगा वो फर्स्ट मंथ रहता है इस्लामिक मंथ के हिसाब से। जैसे कि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो जनवरी मंथ जो रहता है फर्स्ट मंथ रहता है, तो उसके हिसाब से इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से मुहर्रम का महीना जो रहता है वो पहला मंथ रहता है, फर्स्ट मंथ रहता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर ईयर भी चेंज हो जाता है। उसके अलावा जो है 7 तारीख को यहाँ पे इस ऊपर की तरफ में जितने भी डेट मेंशन किए हुए ये सब जो है इंग्लिश तारीख के हिसाब से डेट मेंशन किए हुए, जैसे कि 7 जुलाई है, 14 जुलाई है, 21 जुलाई, 28 जुलाई। और उसके नीचे जो इस्लामिक मंथ लिखा हुआ है, जैसे कि 7 जुलाई को जुलहिज्जा महीने की 30 तारीख थी, तो यहाँ पे उर्दू तारीख लिखी हुई है, उर्दू मंथ लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको पढ़ने में और आपको समझने भी आसानी रहेगी कौन से तारीख को कौन सा फेस्टिवल है। फिर भी कुछ डाउट रहेगा, सवाल पूछना रहेगा तो मुझसे पूछ सकते कमेंट सेक्शन में। 7 जुलाई को जुलहिज्जा महीने की 30 तारीख रहेगी और मुहर्रम का महीना जो स्टार्ट होएगा इंशाल्लाह 2024 के कैलेंडर के हिसाब से वो 8 तारीख को रहेगा, मतलब 7 तारीख को मगरिब की नमाज के बाद से इंशाल्लाह मुहर्रम का महीना स्टार्ट होएगा। लेकिन अगर मैं आपको दिन के हिसाब से डेट बोलूँ, मुहर्रम महीने की पहली तारीख तो 8 तारीख को रही है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 1 जुलाई को जुलहिज्जा महीने की 24 तारीख रहेगी, 2 जुलाई को जुलहिज्जा महीने की 25 तारीख रहेगी, तो उसके हिसाब से ये पूरा आगे बढ़ते रहेगा। 7 जुलाई को जो जुलहिज्जा महीने की 30 तारीख रहेगी, मतलब 30वां चांद रहेगा, और 7 तारीख को मगरिब की नमाज के बाद से इंशाल्लाह मुहर्रम का महीना स्टार्ट होगा। तो यहाँ से जो है हिजरी ईयर चेंज हो जाएगी। हिजरी ईयर स्टार्ट जो रहेगी 1446 रहेगी। इसका मतलब जो है 8 तारीख को, 8 जुलाई 2024 को हिजरी ईयर स्टार्ट जो रहेगी वो 1446 से रहेगी। इसके अलावा जो है 14 तारीख को, 14 जुलाई को जो मुहर्रम महीने की 7 तारीख, 21 जुलाई को मुहर्रम महीने की 14 तारीख, 28 जुलाई को मुहर्रम महीने की 21 तारीख, 8 जुलाई को मुहर्रम महीने की 1 तारीख, 15 जुलाई को मुहर्रम महीने की 8 तारीख, 22 जुलाई को मुहर्रम महीने की 15 तारीख, 29 जुलाई को मुहर्रम महीने की 22 तारीख, 9 जुलाई को मुहर्रम महीने की 2 तारीख, 16 जुलाई को मुहर्रम महीने की 9 तारीख, 23 जुलाई को मुहर्रम महीने की 16 तारीख, 30 जुलाई को मुहर्रम महीने की 30 जुलाई का मुहर्रम महीने की 23 तारीख। तो ये मैंने आपको ऊपर के हिस्से का पूरा कैलेंडर एक्सप्लेन किया। अभी नीचे का हिस्सा जितना बाकी है कैलेंडर का उसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसके अलावा छुट्टी यहाँ पे आ रही है, किसी को यहाँ पे स्कूल की या किसी को ऑफिस की छुट्टी मिल सकती है। तो 21 तारीख को जो है वो गुरु पूर्णिमा है, 8 तारीख को जो इस्लामी न्यू ईयर है, जैसे मैंने आपको बताया, और उसके बाद में जो है उसके हिसाब से मुहर्रम का महीना स्टार्ट जो होता है 8 तारीख से, मतलब दिन के हिसाब से। और उसके हिसाब से आशूरे का दिन जो रहेगा, मतलब मुहर्रम महीने की 10 तारीख जो रहेगी वो 17 जुलाई को रहेगी, 17 जुलाई 2024 को, 17 जुलाई 2024 को वेनेसडे का दिन रहेगा। उस दिन इंडिया के अंदर आशूरे का दिन मनाया जाएगा, 10 जुलाई को, सॉरी 17 जुलाई को, 17 जुलाई 2024 को मुहर्रम महीने की 10 तारीख रहेगी, उस दिन यहाँ पे आशूरे का दिन मनाया जाएगा। इसके अलावा जो नीचे का हिस्सा जो कैलेंडर का बाकी था उसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो है 2 जुलाई को जुलहिज्जा महीने की 25 तारीख, 3 जुलाई को जुलहिज्जा महीने की 26 तारीख, 4 जुलाई को जुलहिज्जा महीने की 27 तारीख, 5 जुलाई को जुलहिज्जा महीने की 28 तारीख, 6 जुलाई की 29 तारीख। तो उसके हिसाब से पूरा था, ये पूरा मुहर्रम का महीना स्टार्ट हो गया था। आशूरे का दिन जो है 17 जुलाई 2024 को वेनेसडे का दिन रहेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा जो है 18 तारीख को मुहर्रम महीने की 11 तारीख, 19 तारीख को मुहर्रम महीने की 12 तारीख, 20 तारीख को मुहर्रम महीने की 13 तारीख, 23 तारीख को मुहर्रम महीने की 16 तारीख, 24 तारीख को मुहर्रम महीने की 17 तारीख, 25 तारीख को मुहर्रम महीने की 18 तारीख, 24 तारीख को मुहर्रम महीने की 19 तारीख, 27 तारीख को मुहर्रम महीने की 20 तारीख, 30 तारीख को मुहर्रम महीने की 23 तारीख, 31 जुलाई को मुहर्रम महीने की 24 तारीख। तो उसके हिसाब से ये पूरा महीना ख़त्म होता है जुलाई के महीने में, कौन से तारीख को क्या है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी कुछ डाउट रहेगा या कुछ सवाल पूछना रहेगा तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जैसे कि 1 जुलाई को जो है जुलहिज्जा महीने की 24 तारीख थी और 31 जुलाई 2024 को वेनेसडे का दिन रहेगा, उस दिन मुहर्रम महीने की 24 तारीख रहेगी।
अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।